जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत करते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अपने के लिए क्लास टेंथ का सोशल साइंस फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 का ऑब्जेक्टिव के आंसर के लेकर आए हैं। चलिए आप लोग देखिए, ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? ठीक है, वियना की संधि, वर्षा की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि, ये होना चाहिए, एक नंबर होगा। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती? उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुश प्रजातंत्र। तो निरंकुशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ, या कथन किस दार्शनिक का है? रूसो। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रोलेट एक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? तो लाहौर अधिवेशन। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अल्लूरी सीताराम राजू। निम्नांकित में कौन सी बीमारी अमेरिका के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? इनमें से कोई नहीं, हैजा, चेचक, प्लेग। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन कौन दूर देशों के उपनिवेश बनाने में सहायक ना हुआ? चौथा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी। आपके घर में एक दूध देने लगा है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव संसाधन। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया था? ब्राजील में। वे जनजातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा कहलाती है? दुर्लभ जातियाँ, स्थानीय जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुदेशीय परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। इसका सही आंसर होगा वनों की कटाई रोकने से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ये होगा मध्य प्रदेश। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर में बारामसी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर कमी हो जाने से। ये सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन सिंचाई दोनों में काम आती है? भाखड़ा नांगल परियोजना। 1970-1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन हुआ? तो 4 बार। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच, फ्रेंच, जर्मन, निम्न सभी तो फ्रेंच। निम्नलिखित में किस जनजाति समूह के बेल्जियम में अधिक आबादी है? फ्रेंच, डच, जर्मन, इनमें से कोई नहीं, फ्रेंच की आबादी अधिक है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, हिंदी, पाली, सिंहली को। समर्थित सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? केंद्र सरकार। जब केंद्र और राज्य सरकार के से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दे जाते, उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। भारत में कौन निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है? अरबी। इनमें कौन संघ सूची के विषय हैं? तो वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय। सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? सामाजिक टकराव। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी होगा। निम्नांकित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश के राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय, सकल विकास उत्पाद, मानव सूचकांक, इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय।
जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल डेयरी उत्पाद, बड़े घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? यूएनडीपी, एमएनडीपी, यूएनडीसी, यूएनडीपी। और कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पाद क्षेत्र में उभरा है? तृतीय क्षेत्र। और कृषि, डेयरी, खेती निम्नांकित किस क्षेत्र के संबंधित गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक। निम्नांकित में कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना, मधुमक्खी पालन। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नांकित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण। अब भारत में निम्नांकित में कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? डॉलर, पाउंड, यूरो, रुपया। रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है? एक करके राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर भी देखिए। जियो से भी मुस्लिम पर टिप्पणी कीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करें। ये देखिए एक क्वेश्चन और है अंत में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, इंडिया का मानचित्र है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।